हेलो बच्चों बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन है कि सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लॉर्ड फ्रॉम फोर्टी डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ फाइव डिग्री सेल्सियस एवरी आर देन व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर टेन आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनस अब ये है कि एक कोई फ्रीजिंग यानी कोई चीज ठंडी हो रही है मान लो कोई ठंडी होने का कोई प्रोसेस है ठीक है तो उस प्रोसेस के अंदर क्या है कि जो रूम टेम्परेचर है हमारा फोर्टी डिग्री सेल्सियस उससे हमें क्या करना है टेम्परेचर को फाइव डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम करना है ठीक है हर घंटे क्या हो फाइव डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा जैसे एक घंटे के बाद पाँच हुआ देन उसके बाद अगेन फाइव डिग्री सेल्सियस कम होता हुआ चला जाएगा देन वट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर टेन आवर्स अब टेन आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा हमें यह बताना है तो सब बड़ा ही सिंपल चीज़ है आपको अगर समझोगे आप देखो कैसे कि करंट टेम्परेचर क्या है हमारे पास इस टाइम भाई करंट अभी एक्जैक्टली exactly इसी टाइम टेम्परेचर क्या है हमारे पास करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ओके देन हमें क्या करना है 5 डिग्री सेल्सियस पर आर इसे क्या करना है लोअर करना है लिखेंगे इसको कि जो टेम्परेचर लोअर्ड पर आर पर आर कितना है हमारे पास हमें फ़ाइव डिग्री सेल्सियस लो करना है लो करने का मतलब क्या हुआ नीचे करना है यानी डाउन करना है डाउन का मतलब होता है नेगेटिव आपका मतलब राइज़ करना थो थो होता तो उसको इंक्रीज करना यानी वो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव फाइव डिग्री सेल्सियस करना है अब ये टेम्परेचर हमारा जो टेन आवर्स में टेन आवर्स में कितना टेम्परेचर हमारा लो लो हो जाएगा टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नेगेटिव फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू नेगेटिव 50 डिग्री सेल्सियस यही होगा अब क्या चीज है हमारे पास कि कि हमें यह बताना है कि 10 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर कितना था भाई हम शुरू कहां से हुए थे 40 डिग्री सेल्सियस से 10 घंटे के बाद हमने कितना डाउन कर चुके हम उस टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस यही होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 40 में से 50 जाएंगे तो नेगेटिव टेन आ जाएगा ना तो उसका भी इस टाइम टेम्परेचर क्या है टेन डिग्री सेल्सियस ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन करते जल्दी से आइए